जैसा ड्रीम गर्ल अच्छा लगा था वैसा ड्रीम गर्ल टू भी टॉपिक बहुत अच्छा। आयुष्मान खुराना की एक्टिंग एक नंबर, सारे एक्टर बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है, बहुत ही ज्यादा कॉमेडी है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस दिमाग साथ में छोड़ के आओ, एंजॉय करो और घर पे जाओ। लेकिन हाँ, आयुष्मान खुराना की मूवीज नॉर्मली मुझे बहुत पसंद आती है, तो सारी मूवीज बहुत अच्छी मूवी थी, एकदम हंस के पेट में दर्द हो गया। एक नंबर, बहुत मजा आया। आयुष्मान खुराना की एक्टिंग एक नंबर, सारे एक्टर बेस्ट है, बहुत अच्छा लगा। बाकी सब लोग का काम फिल्म में एक नंबर, अच्छी है मूवी, बट स्टोरी लाइन अच्छी है। बट जिस फर्स्ट मूवी में लास्ट का सीन एंडिंग मजे मजे से बीती थी, इसका एंडिंग उतना खास नहीं लगा, लेकिन मूवी मस्त है। लोगों को पैसा वसूल है? अरे पॉसिबल है, पैसा वसूल है। पांच में से कितने स्टार हो गए? अगर आयुष्मान की बात करूँ, मेरा फेवरेट एक्टर, मैं 5/5 ही दे रहा हूँ। मस्त ड्रीम कहानी तो ड्रीम गर्ल का भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैं ड्रीम गर्ल 2 देखने के लिए आई। तो ड्रीम गर्ल 2 मतलब जैसा ड्रीम गर्ल अच्छा लगा था वैसा ड्रीम गर्ल 2 भी टॉपिक बहुत अच्छा लगा। कॉमेडी वगैरह, पंचेस वगैरह कैसे? बहुत अच्छा लगा, लोगों बहुत अच्छा लगा कि देखते हो? हाँ हाँ, बहुत एंजॉय करे। 5 में से कितने स्टार दिए आपने? 5 में से 5/5। बहुत ही अच्छी है, एंटरटेनिंग कितनी फील है? बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है, बहुत ही ज्यादा कॉमेडी है। बाकी आयुष्मान खुराना का काम वगैरह कैसा है? स्पीचलेस, मतलब दोनों ही रोल इतना है प्यार से, इतने अच्छे से निभाया उसने, मतलब देख के स्पीचलेस। अच्छा, पूजा का कैरेक्टर कैसा मेंटेन किया उन्होंने? बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। लोगों को पसंद आया कि देखते हो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। 5 में से कितने स्टार दोगे? 5 में से 5 ले लो आप। अच्छा, फिल्म का कौन सा ऐसा हिस्सा है सबसे ज्यादा पसंद किया आपने, या फिर सबसे लगा? एंडिंग में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही गई है और रिवील किया गया है कि सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, प्यार में ट्रस्ट कैसा होना चाहिए एक दूसरे पे, वो चीज सबसे बेस्ट पार्ट है। पार्ट 1 था, वैसा पार्ट 2 निकल के आया है? जैसे पार्ट 1 में मैसेज था सबका? यस, पार्ट 2 का मैसेज उससे ज्यादा प्यारा है पार्ट 1 से। थैंक यू, थैंक यू। दिमाग घर पे छोड़ के आने का? ओके, ऐसा कुछ? ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस दिमाग साथ में छोड़ के आओ, एंजॉय करो और घर पे जाओ। आयुष्मान खुराना कैसे लग रही फिल्म? ओह, क्लास है। ओके मैडम, आपसे जाना चाहूंगा, आपको कैसे लगा? गुड गुड। जिस प्यार के बारे में बताया गया, बाकी सारी चीजें कैसी फील? ठीक है, इट्स अ एंटरटेनमेंट फिल्म, दैट्स इट। कहानी वगैरह फिल्म की कैसी है? कहानी तो कुछ है नहीं, बट हाँ ठीक है। आयुष्मान खुराना का काम कैसा लगा? हाँ, वेरी नाइस, ही इज सो वेरी नाइस, लाइक ही इज डन एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। हाँ ठीक है, अभी जैसे जो ट्रेंड चल रहा है वैसे तो ठीक है, इट्स गुड। व्हाट्स योर स्कोर आउट ऑफ 5? 5 में से कितने स्टार दोगे आप? 3। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, गुड। कितने एंटरटेनिंग फिल्म लगी, जैसे कि बढ़िया थी? क्या सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया फिल्म में? नेचुरली परफॉर्मेंस आयुष्मान खुराना का, उससे ज़्यादा तो सोच के भी नहीं आया था, लेकिन मस्त, बढ़िया, सारे एक्टर्स अच्छे थे। फिल्म की कहानी वगैरह कैसी है? ठीक है। ओके, क्या लगता है लोग जब देखेंगे तो उनको पसंद आएगी? दिखते हैं ऑफ कोर्स आएगी। आयुष्मान खुराना काम वगैरह एज अ पूजा, एज अ कर्म, बढ़िया है। ड्रीम गर्ल में भी अच्छा था, 2 में भी नेचुरली वही देखने आए थे कि एक एंटरटेनिंग आवर रहे। पार्ट 1 था जिसमें एंटरटेनिंग था, पंचेस थे, मैसेज था, वैसे सेकंड पार्ट में देखने मिले। इसके अंदर थोड़ा सा, मतलब जो पहले के अंदर सिर्फ वॉइस का था, यहाँ पे खुद पूजा बन के आई थी, तो थोड़ा सा डिफरेंट था। व्हाट्स योर स्कोर आउट ऑफ 5? 4। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू, थैंक यू। कैसी लगी फिल्म? देखिए, बहुत अच्छी मूवी थी, एकदम हंस के पेट में दर्द हो गया। कितनी एंटरटेनिंग फिल्म बनी है? काफी एंटरटेनिंग है। पूजा, अपना आई मीन आयुष्मान खुराना का काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत काम, एकदम लगता ही नहीं है कि लड़का, एकदम लड़के के ड्रेस में परफेक्ट। ओके, पार्ट 1 में जैसी कॉमेडी वगैरह थी, पंचेस थे, मैसेज था, वैसे सेकंड पार्ट में? हाँ, बहुत बहुत अच्छी कॉमेडी है। लोगों को पसंद आएगी? श्योर, मुझे तो लगता है पसंद आएगी। 5 में से कितने स्टार देंगे आपकी तरफ से? 5 में से 4 स्टार। थैंक यू, थैंक। लेकिन हाँ, आयुष्मान खुराना की मूवीज़ नॉर्मली मुझे बहुत पसंद आती है, तो सारी मूवीज़। चलो ठीक।